नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं आज का जो युग है इसको कलयुग कहते हैं दोस्तों, और हर जगह हर माहौल में, ऐसे तो हर युग में लोगों को पैसे की आवश्यकता रही है, लेकिन कलयुग में पैसे को बहुत महत्व दिया गया है। आज लोगों की ये थिंकिंग हो गई है कि जिसके पास पैसा है उसको लोग मानते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है, बाकी की सारी अच्छाइयां उसके अंदर हैं, फिर भी लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। तो ये जो पैसा है इसको कमाने के लिए सिर्फ मेहनत या प्रयत्न से भी नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कितने लोग कितने ही प्रयत्न करते हैं, कितनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं आ पाता जिससे वो अपने स्टेटस को कायम कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी भी नज़र में होंगे, वो थोड़ी सी मेहनत या थोड़े से ही प्रयत्न में वो इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि जिससे उनकी चारों तरफ कीर्ति ऐश्वर्य यश सब कुछ फैलने लग जाता है। तो दोस्तों इसका एक ही कारण है कि आपकी मेहनत और आपकी शक्ति के साथ आपके साथ किसी देवी शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। जब दो शक्तियां मिल जाती हैं तब दोस्तों एक नई चीज का आविर्भाव होता है। तो मेहनत तो आपको करनी ही है, प्रयत्न तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक देवी शक्ति का भी आपको सहारा लेना है, जो मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल और सिंपल आपको उपाय बताने जा रहा हूं। इसके चलते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि अगर मेरी चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी भविष्य में भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करेंगे और अगर कहीं किसी का कोई काम बनेगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले बता दूं ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ये क्रिया आप सोमवार शुक्रवार या फिर तिथियों में पूर्णमासी के दिन भी आप कर सकते हैं, सोमवार या शुक्रवार या पूनम, इन दिनों में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ये क्रिया अगर आप शाम के समय करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, जब सूर्यास्त हो जाए संध्या समय के बाद। दोस्तों आप जानते हैं माता लक्ष्मी हमेशा रात के अंधेरे में ही आना पसंद करती है, और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले आप बाजार से कोई भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ऐसी दुकान से आप 5 कौड़ी ले आए। कौड़ी दोस्तों, कौड़ी लक्ष्मी का ही रूप है, और आपको एक बरगद का साफ सुथरा स्वच्छ पत्ता तोड़ लेना है, और थोड़े से आपको पीले फूल ले आने हैं गेंदा के, और आप नहा धो के स्वच्छ होके अगर आपके पास एक लाल कलर का कपड़ा है तो अवश्य पहने, अगर कुछ भी नहीं तो एक लाल कलर का रूमाल अवश्य रखें। माता लक्ष्मी को लाल कलर बहुत पसंद है। पीले फूल लाएं और गुलाब के भी फूल लाएं दोस्तों, 2-3 फूल गुलाब के ले आए। उस पत्ते को आप साफ पानी से धो लें, और धो के आप किसी भी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं या अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं।
चाशनी के ऊपर और उस बरगद के पत्ते को किसी थाली में या डिश में अपने सामने रखें, वहाँ एक घी का दीपक जला दें, दो अगरबत्ती लगा दें। ये लगाने के बाद आप बरगद के पत्ते को अपने सामने रखें। सबसे पहले आपको उस बरगद के पत्ते पे पीले फूल तोड़ के बिछा देने, बहुत सुंदर ढंग से गोलाई में। पीले फूल थोड़ा ज्यादा आकार के हों, उसके ऊपर आप एक किनारी पीले फूल की छोड़ के गुलाब के फूल उस पे आप बिछा दें। पीले फूल किनारे पे दिखते रहने चाहिए। गुलाब का घेरा पीले फूल के घेरे से थोड़ा छोटा होना चाहिए। उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा हल्दी पाउडर छाट दें और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छाट दें। उसके ऊपर आपको 5 कौड़ी रख देनी है, ढेर नहीं लगाना है, बिछा के रख देनी है 5 कौड़ी। और आपको एक मंत्र का 1 माला जाप करना है, 108 जाप। मंत्र बहुत छोटा है दोस्तों, ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। मंत्र में फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। इस मंत्र की आपको 1 माला करनी है। ये माला करने के बाद आप रेवड़ी या कुछ भी शक्कर का थोड़ा प्रसाद होना चाहिए और सफेद कलर, कुछ भी नहीं बन सके तो आप थोड़ी सी कटोरी में शक्कर रख लें, जो उस पे थोड़ा छांट लें। पूजा पूरी होने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी रक्षा करें और आपके घर में अपना निवास स्थान बना लें और हमेशा अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाती रहे। दोस्तों उस पत्ते को उस थाली में से उठाएं और आप उसी तरह से अपने पूजा स्थान, उस धन स्थान में रख दें, किसी भी एक साइड वैसा ही। उसको तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, बांधना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बरगद में दोस्तों बहुत सारी शक्तियां हैं। बरगद के वृक्ष में आपको अनगिनत शक्तियों का वास मिलेगा और उनका आशीर्वाद उस पत्ते के साथ आपको अपने आप मिल जाएगा। माता लक्ष्मी को भी बरगद का पेड़ बहुत प्रिय है। आप रख दें, 8 दिन नहीं होंगे दोस्तों, उससे पहले आपको इस पूजा का या इस क्रिया का परिचय स्वयं मिलने लग जाएगा। आपके यहां धन की जरूरत है अचानक और ऐसी जगह से पूरी होने लग जाएंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। कहीं से भी आएगा पर धन आएगा। आप जो भी प्रयत्न करेंगे, कोई भी प्रयत्न आपका विफल नहीं होगा। हर प्रयत्न आपका सफल होगा और हर जगह से आपको पैसे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है। पैसे आपके यहाँ ढेर लग जाएगा। करते रहिए। इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।